तो दोस्तों अभी हम घोड़े सवारी कर रहे थे, थोड़ा आगे ले इधर देखिए दोस्तों, ऊंट का सीन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बोटिंग से यहाँ इस पार से उस पार का फुल एंजॉय कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए, और भैया हैं ये हमारे साथ, यही बोट चलाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आप बैठते हैं, फिर आगे का सीन दिखाते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है 80 घाट, और यहाँ का सुंदर सा व्यू। अभी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरे पीछे देख सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और ये सवारी प्राइज है 50 रुपया, यानी 50 रुपया में इस पार से उस पार से लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बैठते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ, तो वीडियो प्लास तक बने रहिए दोस्तों। सो दोस्तों, हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं, और देख सकते हैं आप लोग, बोट अब चलने वाला है। सवारी प्राइस 50 रुपया है, 50 रुपया एक आदमी का लग रहा है दोस्तों। और चलिए चलते हैं उस पार से इस पार, तो आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देख सकते हैं यह है नाव का कुछ सीन, और पूरा सीन देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम लोग का बोट निकल चुका है, और देख सकते हैं बाबू को। तो फ्रेंड, हम लोग का नाव चल चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे भी हैं। दोस्तों, हम लोग इस पार से उस पार निकल चुके हैं, और देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बड़ी नाव। तो दोस्तों, हम लोग इस पार पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए दोस्तों, हम लोग बस थोड़ी दूर पहले नदी के उस पार से, और पूरा टीला बना हुआ रेत का। दोस्तों, ये पानी जब पहुँच जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों, हम लोग रेत के पास पहुंचने वाले हैं, और देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों बरसात के दिनों में ये काफ़ी बाढ़ आ जाता है, मतलब पूरा वो पूरा सीढ़ी है ना, वो सब भर जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं भैया अभी दाना खिला रहे हैं। अरे पकड़ो मत बाबू। Thank you.
यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सामने है ऊंट और अभी हम लोग उस पार चलना है। और चलो चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड हम लोग चल रहे हैं उस पार और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए हम लोग। सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और चलिए चलते हैं रेत वाले एरिया में और हम लोग का यहाँ पे जूता निकालना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और निकाल करके फाइनली आगे। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं इस घाट से उस घाट यानी रेत वाले घाट पे और चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे घोड़ा है और ऊँट है, इधर खाने पीने के दुकानें भी है, मतलब एक बोल सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छा लोकेशन है। तो आप जब भी आते हैं अस्सी घाट तो एक बार ज़रूर यात्रा करिए और चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड नाव से उतरने के बाद से यहाँ पे देखिए है रेत यानी बालू और आइए आपको दिखाते हैं। इधर बहुत सारे घोड़ा हैं और आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो आप लोग डो प्लास तक बने रहिए, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चाय वाय की दुकानें नज़र आ जाएंगी यहाँ पर खाने पीने के लिए। देखिए दोस्तों बालू का सीन है, इधर देखिए घोड़ा है, लग रहा है घोड़ा पर बैठेंगे क्या। इधर देखिए दोस्तों ऊँट का सीन, ऊँट देखिए, इधर देखिए सो दोस्तों यहाँ पे घोड़ा का प्राइस है 50 रुपया जैसा कि बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊँट की सवारी हो रही है पीछे और ये सब बनारस में ही है दोस्तों स्थित। तो जब भी आप लोग आते हैं अस्सी घाट तो आप लोग जरूर आइएगा, काफ़ी दूर तक है, आइए आपको दिखा। सो दोस्तों देख सकते हैं इधर, इधर सीन रख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों अभी हम घोड़े सवारी कर आराम से आराम से। तो दोस्तों देख सकते हैं घोड़े सवारी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर ही आ गए तो घुमा दीजिएगा बस, आइए आपको। भैया एक रूटेड करके ले लीजिए, रूटेड करके खड़ा में। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, फाइनली घोड़े की सवारी कर चुके हैं और देख सकते हैं ये है ब्लैक घोड़ा था जिस पे हम सवारी किए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ अपना अपना बैग हम लोग रख दिए थे और जो बोट आया था वो आधे घंटे तक रुका रहेगा और उसके बाद से फिर हम लोग उस पर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था इन कुछ अस्सी घाट का सीन, आई होप कि आपको काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग घोड़ सवारी करके निकल चुके हैं और दोस्तों मैं अपने जीवन में फर्स्ट टाइम घोड़ सवारी किया था और काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी अच्छे तरीके से भाई घुमाया भी है। तो आप लोग भी जब आते हैं तो दोस्तों कोई कोई 50 रुपया कोई कोई 30 रुपये ले रहा है, तो आप लोग रेट पहले पता करके ही बैठिएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो हमको तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आइए आपको यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ नाश्ता पानी करेंगे फिर निकलेंगे घर के तरफ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मोमो खाने के लिए आए हैं, देख सकते हैं भैया अभी निकाल लिए हैं प्लेट, देख लीजिए आप लोग 30 का 6 है और ये भैया का दुकान देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे मोमो आ चुका है, अब चलिए इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुर्सी भी है बैठने के लिए, बैठते हैं उसके बाद से फिर। तो दोस्तों ये है, साइज अच्छा है, अब स्वाद में टेस्ट करते हैं पहले। बाकी दोस्तों मोमो तो मैं खा चुका हूँ और उतना अच्छा स्वाद नहीं था, फिर भी काफ़ी टेस्टी स्वाद था, मतलब फीडबैक देंगे तो 50% ठीक ही था। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो और अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।